नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स लेसन 1.2 की, जिसके अंदर हम बात करेंगे मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, अगर अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। जी हाँ, देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स कितने होते हैं, तो मोस्टली सभी का ध्यान जाता है कि कंप्यूटर के 4 से ज़्यादा ही पार्ट्स होते हैं। दोस्तों, ये भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न इस बात की रहती है कि मेंशन नहीं किया जाता है कि कंप्यूटर के कौन से पार्ट कितने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के अगर आपको कहा जाता है कि मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो हम बताएंगे कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स। जी दोस्तों, कंप्यूटर पार्ट्स की यहाँ बात हो रही है, तो वहाँ हम बताएंगे कि कंप्यूटर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर। जी बिल्कुल, अगर बात होती है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स कितने होते हैं, अगर हम ये देखें कि कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स कितने होते हैं, तब हमारा आंसर यह होगा कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं वो 4 होते हैं। देर आर 4 मेन हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कहा जाता है कि कंप्यूटर के पार्ट्स कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि कंप्यूटर के पार्ट्स 2 होते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, देर आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, लेकिन अगर आप कहा जाता है कि हाउ मैनी मेन हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, देन आपका क्वेश्चन आंसर जो होगा, देर आर 4 मेन हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर का एक टॉपिक उठाते हैं। हार्डवेयर, तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है। हार्डवेयर पार्ट्स दोस्तों वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हम यूज़ करते रहते हैं। सॉफ्टवेयर दोस्तों वो होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम फील नहीं कर सकते, जिनका हम सिर्फ प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई यह क्वेश्चन करे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मेन कौन सा है, देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कितने होते हैं, तो हमने बताया 2। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कंप्यूटर के इन 2 पार्ट में, मेन पार्ट में से सबसे खास, सबसे मेन जरूरी पार्ट कौन सा है, तो आपका क्या आंसर होगा दोस्तों, सोचिए दोस्तों। जी तो मैं आपको बताऊंगा कि जो कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है वो दोनों ही होते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं। अगर आपके पास हार्डवेयर है तो ही आप सॉफ्टवेयर जो है वो, तो ही जो सॉफ्टवेयर है वो काम करेगा। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए, कैरी करने के लिए हमें किसी ना किसी हार्डवेयर डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि सॉफ्टवेयर, एक्चुअली में अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, जैसे कि हमारे सॉन्ग्स होते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे हमारी कोई फाइल होती है, कोई हमारी रिपोर्ट होता है, कोई हमारी रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी, जिन्हें हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, केवल यूज़ कर सकते हैं, केवल हम देख सकते हैं, वो होते हैं सॉफ्टवेयर। तो इनको कैरी करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई ना कोई एक हार्डवेयर डिवाइस हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आप समझ गए होंगे कि अगर सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो उसके लिए हार्डवेयर इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हार्डवेयर को चलाना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले बात हम करते हैं हार्डवेयर के बारे में। तो देर आर 4 मेन हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के 4 मेन हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। अगर हम इनकी बात करें कि वो कौन कौन से मेन हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जिनके होने से हमारा एक पूरा कंप्यूटर कंप्लीट हो जाता है, तो हम बात करेंगे, ये सबसे पहला जो मेन पार्ट होता है वो होता है मॉनिटर, या आप LCD आप किसे कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कीबोर्ड, फिर उसके बाद आता है माउस, और फिर लास्ट में आता है CPU। तो दोस्तों कंप्यूटर के वैसे तो हार्डवेयर पार्ट्स की अगर बात करें, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और उसको एक्सेस में ला सकते हैं अगर उस डिवाइस से संबंधित सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर है। जी दोस्तों, मैं सॉफ्टवेयर के बारे में भी ज़रूर बात करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हार्डवेयर हमारा पार्ट ऑफ हार्डवेयर जो हमारे डिवाइस होते हैं वैसे तो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम ऐसे डिवाइसेस की बात कर रहे हैं जो एक बार हम एक साथ ले आएँ तो हमारा एक पूरा कंप्यूटर तैयार हो जाता है दोस्तों। तो वो हैं मोनीटर, कीबोर्ड, माउस और CPU। दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि हार्डवेयर के बहुत से कंप्यूटर हार्डवेयर में बहुत से डिवाइसेस होते हैं, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है कि उन डिवाइसेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कैसे दोस्तों? जैसे कि कुछ पार्ट्स को नेम दे दिया गया है इनपुट डिवाइस, मतलब इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके ज़रिए हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, और आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर से अपना कोई रिजल्ट प्राप्त करते हैं। ओके, तो इनपुट डिवाइस के अंदर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हम इन चार में से अगर बात करें तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मोनीटर या LCD एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो CPU की बात करें तो CPU जो है वो हमारा मेन डिवाइस है कंप्यूटर का, जिससे जितने भी ये तीनों के तीनों डिवाइसेस हैं या कोई भी नया हार्डवेयर डिवाइस अगर हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसे हमें CPU से जोड़ना होगा दोस्तों। तो CPU से जोड़ना होगा, तो जिस प्रकार से एक इंसान का दिमाग होता है उसी प्रकार से कंप्यूटर का भी एक दिमाग होता है जिसे CPU कहा जाता है, यानी कि CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार एक इंसान के दिमाग के साथ इंसान के सभी बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं और दिमाग के इंस्ट्रक्शन पर ही हमारे बॉडी पार्ट्स वर्क करते हैं, उसी प्रकार से जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो सभी के सभी CPU से कनेक्ट होने के बाद ही प्रोसेस में आते हैं। अगर ये सभी आपस में कनेक्टेड होंगे तभी ये सभी अगर CPU से कनेक्टेड होंगे तभी ये आपस में एक दूसरे की मदद करके काम कर पाएंगे। तो CPU को मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है दोस्तों, और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। CPU की अगर हम बात करें तो CPU की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे दोस्तों। तो अब तक हमने जो जाना है वो ये जाना है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से डाटा लेता है और उस पर काम करता है, काम करने के पश्चात हमें वो आउटपुट देता है रिज़ल्ट के रूप में, हमारे परिणाम के रूप में आउटपुट हमें देता है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबिज ने किया था। कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट से बना है, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, टू कैलकुलेट, काउंट करना। तो उसके बाद हमने बात की दोस्तों कि कंप्यूटर की जो परिभाषा है वो क्या है। एक परिभाषा हम उसके काम से संबंधित, मतलब उसके काम को समझकर जिस प्रकार से हम जो कंप्यूटर हमारे लिए काम करता है उससे हमने ये परिभाषा तैयार की है, और एक परिभाषा हमने तैयार की है उसके नाम से समझकर उसका नाम। जी हाँ दोस्तों, जो ये मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर शब्द का हर एक करेक्टर है उसका कोई ना कोई मीनिंग है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकल यूज्ड इन ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, एक ऐसी साधारण ऑपरेट की जाने वाली मशीन जिसका प्रयोग व्यवसाय में, एजुकेशन में और रिसर्च में किया जाता है। तो ये थी इसकी दूसरी परिभाषा। इसके बाद हमने बात की कंप्यूटर के मेन पार्ट्स। तो कंप्यूटर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने देखा कि
कि हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं और यूज़ करते हैं, वो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के। और मेन हार्डवेयर पार्ट्स चार होते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। सीपीयू के बारे में हमने बात की कि सीपीयू एक ऐसा यूनिट है जो जिसे मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। आपके अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और धन्यवाद।